So today we have with us Mr. Gaurav Gupta, sir, Senior Vice President of Investors Club, New Delhi. So sir, welcome to Tel News. Thank you. Sir, I would like to know about the objective of this meeting. Investor Club is a very old club, a family club, which was founded by Mr. Subhash Lakhotia and R.N. Lakhotia ji 30 years back. So every year we do the members get together like this. जिसमें हम सारे मेंबर्स को बुलाते हैं और दो घंटे सुबह संडे के किसी मॉर्निंग में एक फैमिली एटमॉस्फेयर में ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि आपस में बिजनेस एक्टिविटीज़ तो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन एक मेल मिलाप हमारा मेन उद्देश्य है और ये पिछले 30 साल से हम लगातार कर रहे हैं। इन्वेस्टर क्लब श्री सुभाष लखोटिया जी ने एस्टेब्लिश किया था। ये इससे 30 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये हर साल हम जो इसका बेसिकली इन्वेस्टमेंट हैप्पीनेस का प्रोग्राम था इसका जो है, और हर साल हम जो है हैप्पीनेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस पे प्रोग्राम करते हैं। सारे मेंबर्स हमारे आते हैं, 900 से ज़्यादा मेंबर हैं। कई बार हम डायरेक्टली पब्लिश कर चुके हैं और इस टाइप के प्रोग्राम, जैसे हम फॉरेन टूर करते हैं, नेशनल टूर करते हैं, कल्चरल टूर करते हैं, धार्मिक टूर करते हैं और फिर इन्वेस्टर्स के लिए सेमिनार्स करते हैं, जैसे बजट के ऊपर सेमिनार करते हैं, बजट से यूनियन बजट आता है जो, इस टाइप के पिकनिक करते हैं उस लोगों के लिए जो हमारे ज़्यादातर बहुत सारे लोग हैं जो मिले हुए हैं और पूरे NCR के। So we have with us Mr. Sandeep Goyal, Senior Vice President of the Investors Club. So sir, I would like to tell something about this initiative. As you know, already told, Investors Club was formed around 30 years back by our Subhash Lakhotia ji and R.N. Lakhotia ji. The main motto of Investors Club is investment in health, happiness and financial assets. So, एज यू नो कि द नेम सिग्निफाइज इन्वेस्टर्स क्लब, लोग अब ये सोचते हैं इन्वेस्टर्स क्लब का मीनिंग है कि हम लोग सिर्फ हर समय फाइनेंशियली एसेट्स के बारे में सोचते हैं, बट वी फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ बीइंग आल्सो, अदरवाइज जनरल हेल्थ बीइंग आल्सो एंड हैप्पीनेस आल्सो। तो टुडेज मीटिंग इज ऑन गेट टुगेदर ऑफ मेंबर्स ऑन ब्रेकफास्ट। इसका पर्पज भी यही है कि आपस के मेंबर्स के अंदर फेलोशिप हो, मेल मिलाप बढ़े और इसके बाद जब मेल मिलाप होती है, फेलोशिप होती है, तो उसी के अंदर बीच बीच में नए बिजनेस आइडियाज़ भी आते हैं, नए बिजनेस प्रपोजल्स भी आते हैं। तो आज का जो पर्पज़ है ये इसी पर्पज़ के उद्देश्य से हर दो साल में एक बार हम लोग इस तरह से ब्रेकफास्ट की मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा हमारा हम एक सभी मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें वी मीट एंड डिस्कस वेरियस एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवरसीज आल्सो, एंड उन दोज मीटिंग्स वी जॉइंटली यूनाइट एंड यूनाइट टू UTI का एक कॉन्सेप्ट हमको हमने देते हैं, यूनाइट टू इन्वेस्ट। आज एक प्रॉपर्टी 50 करोड़ रुपए की है, एक आदमी के लिए खरीदने के लिए मुश्किल हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, 20 आदमी मिलकर के 2.5 करोड़ रुपए डालते हैं और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो यूनाइट टू इन्वेस्ट करके इस तरह से हम लोग उसका प्रॉपर्टी को बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रपोजल हम मीटिंग में डिस्कस करते रहते हैं। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर राजीव मित्तल, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इन्वेस्टर्स क्लब न्यू दिल्ली। सो लेट अस टॉक टू सर, वेलकम टू टेन न्यूज़ सर। थैंक यू डियर। सो सर, वुड यू लाइक टू टेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीटिंग? वेल, दिस इज आवर इन्वेस्टर्स क्लब, वी आर नाउ इन 30th year ऑफ फाउंडेशन। सो दिस इज द मीटिंग टू मीट ऑल द आवर जनरल मेंबर्स। सो टुडे ऑल्सो वी हैव अवर 200 मेंबर्स प्रेजेंट हियर and to discuss about the activities of Investors Club and what our best we can do for the general families and lot many downtrodden peoples. So we have this meeting for that. Okay, so sir, I would like to know that was today's meeting successful according to you? You arranged this much amount, of people? Yes, definitely. It is a family kind of get together, so people used to know each other or nicely in a family atmosphere. So we do feel it is worth doing such kind of meetings to have more knittingness between the families. Absolutely. And sir, what according to you, these meetings are useful to, useful in this industry? Well, everything we cannot say could be useful, but yes, due to this kind of meeting, we do meet different kind of peoples, and we have invited few ambassadors also from different countries. So we are meeting to each other, and sometime
some activities of business also do comes up due to these kind of meetings. So this is the advantage of this. Absolutely. And sir, lastly, I want to ask you, like, what are your future plans for this? Our future plans to have to pass on the treasure of culture of our Indian culture to our new generation. So they also learn all these kind of things and to meet in the family atmosphere. And like you, I'm sure you haven't heard any time about the morning meetings, but we do this, especially the morning meetings. So in the morning, all people can come and can have together and can discuss, can talk. So that's why we are doing all these meetings. Absolutely. Thank you so much for talking to Nandis. Here we have with us one of the important part of the Investors Club New Delhi, Mrs. Anjali Lal ma'am. So ma'am, what are your comments on this meeting? Like, this has been an initiative. Yeah, this is our energy. We get so much love, energy, and get together. So we feel so happy to come here and we meet people after long, long years. So we are so happy we meet, and there is some attraction. All age groups, our ladies are here. So this is good, and we go for Europe tour all over, and we all are happy in this group. Our children feel so happy that my mama papa are now busy in their group, and we are very safe in this group. So I love it. We learned so many good things. So this is our energy. Yeah. Thank you. Absolutely, ma'am. Thank you. And ma'am, what are your comments on this? Like, what do you want to share? Main to yahi first introduce yourself. Main Sneha Kanodia hoon, aur hum इन्वेस्टर्स क्लब से पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं, और ये हमारा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कि हम आपस में फेलोशिप करते हैं। हमारा ज़्यादा पर्पस होता है फेलोशिप का, और हम इस प्लेटफॉर्म पे कई तरह से प्रोग्राम आयोजित करते हैं। कई बारी हम लोग दिल्ली में बाहर के टूर्स भी करते हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी करते हैं, लेकिन जब से कोरोना हुआ है हम दिल्ली में ही बहुत गेट टुगेदर और हमारे इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें कि हम आपस में एक दूसरे के साथ खाना पीना कम पर्पस है, हमारा फेलोशिप का ज़्यादा पर्पस होता है, और सब एक दूसरे से मिल के इतना खुश होते हैं कि जैसे पता नहीं कितने दिनों के बिछड़े हुए मिलते हैं। थैंक यू। We have Ruchi Goyal ma'am with us, so let us know that what she want to tell us. Yeah. I'm Ruchi Goyal. इन्वेस्टर क्लब में सबसे अच्छी बात यह है, हम जितने भी जब भी मिलते हैं इतने खुशी से मिलते हैं, और जो हमारे हम जो ट्रिप्स बनाते हैं उसमें जितने हमारे एल्डरली जाते हैं उनके बच्चे सोचते हैं हम सेफली पेरेंट्स जा रहे हैं, हम वहाँ पर पेरेंट्स को हम साथ में भेज सकते हैं, इसलिए बहुत सेफ सिक्योरिटी से हम ट्रिप्स बनाते हैं। और रही बात, हम अब यंग मेम्बर्स को मैक्सिमम जोड़ना चाह रहे हैं ताकि यंग क्राउड भी हमारे साथ में ऐड हो जाए। थैंक यू। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, और सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मतलब ये हमेशा इसीलिए आती है कि सब लोग जो आंटी हैं वो इसको बहुत इन्वेस्टर क्लब में ऐसा लगता है कि सब अपनी फैमिली मेंबर हैं। तो और मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कोई ये नहीं लगता कि कोई बड़ा है या छोटा, इसके साथ सब आंटी बिल्कुल उसी तरह ऐसे वेव करते हैं ऐसे इसकी फ्रेंड्स हैं। ये हाँ, इन्वेस्टर क्लब की ये सबसे अच्छी खूबी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल टू कम टू टेन न्यूज़। आई एम साक्षी जाधव एंड यू आर वॉचिंग।